सरताज, जनाब वो मान गए ना नवा शहर दे सरताज सिंह नु बन गए ना तुहाडा काम। कोई गल दसो, वो इस तो वधिया होर की हो सकता सी। मैं सोचा वो नैना मैडम नु कदों हिम्मत बंधूगी घर पूछण लई ते कदों उहनू जवाब मिलेगा। तो मैं गुलाटी नू चक के लिया इत्थे और 2 मिनट नहीं लगे सारा मामला सुलझन विच। मामला सुलझा नहीं, उलझा है। आज मैं तोनू चंड मारन ली माफी नहीं मंगनी बिकॉज आई एम नॉट सॉरी। मसा मसा मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा सी, तुसी आपके मेरे सारे कीते ते पानी फेर दिता। ऐसी तोनू गल समझ नहीं आंदी कि ए वखरे टाइप के लोग ने इन्होंने टाइम लगेगा ते मैं उन्होंने टाइम देने की कोशिश कर रहा सी। हुन इतनी बड़ी हमाकत करी बैठे हो कि मैं दसो मैं आगे की करा कि सॉल्व करा प्रॉब्लम ना हो। साहब मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा सी। मैं सोचा कि नैना मैडम को करो परमिशन मिल जाएगी। यही एक गल मेरे कान खोल के सुन लो, आज तो बाद तुसी नैना ते मेरे मामले दे विच टंग नहीं अड़ाओगे ते टंग अड़ाई ते मैं थोड़ा लिहाज नहीं करना ते साड़ी दोस्ती भी गई समझ लो। हाँ जी मामी जी। नैना पुत मैं कद तेन फोन करती पी सी, तू फोन ही नहीं चकती पी मेरा। पुत्र तेन अपने डैडी की खबर मिली? पापा जी की खबर? की होया पापा जी नू? पुत्र ओनू सरताज आके घरों दी चक के लै गए तेरे डैडी नू। मम्मी जी मैं ऑफिस च नहीं हां, मैनू बस उत्थे पुछ लैन दो फिर मैं पता करदी हां पूरी गल की है। तू छेती ऑफिस जा ते ऑफिस जाके मैनू दस तेरे डैडी उत्थे हैगे आ कि नहीं हैगे। हां जी मम्मी जी मैनू पुछन दा दवो। नैना प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। मैं माफी मांग रहा तुम, आई एम रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। पर पापा जी दा की सर? मैंने पता है सरताज ने पापा जी नाल गलत किया बट उन्हां दी इंटेंशन गलत नहीं सी। सर तुहानू हजे भी लगदा है कि सरताज सर दी इंटेंशन सही सी? तरीका गलत सी। उन्होंने तो यही समझा कि तुसी ये बहुत टाइम ला रहे हो पापा जी नाल गल करन लई ते ऐस करके वो तां करके हो इन्हां नू इत्थे लाए वो भी जबरदस्ती चक के। I'm sorry नैना बट मैनू नहीं पता मैं होर की कहा। सच तो यही है कि सरताज जी सानू हेल्प करना चाहते सी। प्लीज अपने दिल विच कोई मलाल ना रखियो। ठीक है सर मैं अपने दिल च कोई गल नहीं रखती पर पापा जी तक ही उन्हां दे दिल तक ही तुसी तो समझ सकते हो ना कि पापा जी नू किवें दा फील होया होएगा। सारे मुहल्ले सामने उन्हां दा जो जलूस निकलिया वो मैं ते उन्हां नाल तुहाडी ते अपनी गल करन जा रही सी पर हुण मैं की करांगी? अपनी मम्मी नाल गल करो वो तुहानू हेल्प करूंगी। नहीं सर हुण उन्हां तो भी कोई आस नहीं है। तुहानू पता है वो कितना डरे हुए सी जदों उन्हां दा मैनू फोन आया। गुस्सा वखरा करदे पए सी। ये की है सर? क्यों कीता तुसीं इदां? I'm sorry नैना मैं और कुछ नहीं कह सकता। I'm very very sorry। सॉरी तो ठीक है हूँ मैं पापा जी के सामने की मूँह लैके जावांगी उन्होंने किवें नजर मिलावांगी। तुसी तो मैनू उन्होंने नजर मिलाउण जोगा नहीं छड्डिया। नैना प्लीज मेरी गल सुनो प्लीज। मैं कोई गल नहीं सुननी, मैं घरे जा रही हूं अपने पापा जी को, उन्हें मेरी जरूरत है सर। नैना बेशक जा, जरूर जा, बट प्लीज प्रिपेयर होके जाओ, ऐ सोच के जाओ कि उन्हां दी हर गल दा तुसी जवाब की दोगे। ओके सर। गुलाटी जी लो चाय पी लो। पापा जी ठीक हो तुसी? हुण इन्हां नूं की होया की दस्सां तैनूं, ना तां इन्हां ने रोटी खाधी है, ना कोई चीज़ नूं मूँह लाया है, ना ही चाह पी रहे ने, ऐदां ही गुमसुम बैठे होए ने। की होया है पापा जी तुहानूं? ना उन्हां नूं की पुछदी है की होया, तू आ दस के ऑफिस विच की होया। ऑफिस विच? ना तू ऑफिस विच जाके पुछया नहीं आ सरताज ने जिहड़ी करतूत कीती ओ क्यों कीती? ओ तुसी ओ गल छड्डो, मैं विक्रम सर नूं ना की होया, तू हाले तक ऑफिस विच गल नहीं कीती? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं उन्हां नूं दस्या है कि सरताज सर ने बहुत गंदा बिहेव किया ते विक्रम सर नूं बहुत गुस्सा आया। ना की दस्या तू? फिर विक्रमजीत कपूर ने फाइल आता सरताज नूं? नहीं नहीं फाइल तो नहीं लाया, पर उन्होंने बहुत सख्ती नाल उन्हां नूं डांटिया। विक्रम सर ने ना उन्हां ते इन्ना गुस्सा किया, इन्ना गुस्सा किया, तुसी पूछो कुछ ना। और जो होना सी हो गया, मिट्टी पाओ इस गल से। ओ कोई नहीं करेगा गल होंदा है, जदों देखो विक्रम सर ने ऐ किया, विक्रम सर ने ओ किया, ओ विक्रम सर सुन सुन के मैं अक गया वां, हुण नहीं बोलेगा कोई भी। और तू मैनूं दस नैना, तेरा ते तेरे उस विक्रम सर दा की रिश्ता वे? नैना नूं फोन करता, फोन ही नहीं चक रही है। मैं तेरे को कुछ पूछया ना, ना दे जवाब मैनू। वो तेनू सुनाई नहीं दिता? मैं तेरे को दोबारा पूछता वा, तेरा ते उस विक्रमजीत कपूर दा की रिश्ता है दोनों दा? पर पापा जी आज तुसी अचानक ये क्यों पूछते पे हो? शुक्र मना नैना, तेरी तो किस्मत ही बड़ी चंगी है जेड़ा यह सवाल आज मैं तेरे को पूछता पाया, ते कल नू सारी दुनिया तेरे को सवाल पूछेगी ते की जवाब देंगी तू दस? पर तुसी इदां दियां गल्लां हुण क्यों करदे पे हो? मैनूं कुछ समझ नहीं आंदी पई। गुलाटी जी तुहाडे सामने खड़ी है, घुमा फिरा के ना पूछो, जो पूछना सामने पूछो। तू ही मैं कदे नहीं सोचा कि यह गल मैनू करनी पेगी, पर गल सच्ची है, मेरी धी पहले वर्गी नहीं रही है, वो बदल गई है। नहीं पापा जी मैं बिल्कुल नहीं बदली, तुहानू भलेखा लग गया पापा जी, मैं वही नैना आ। चल मैं मान लेना कि तू नहीं बदली है, ते मैनू तू इन्ना दस, वो तेरे उत्ते इन्ने एहसान क्यों करदे पए ने विक्रमजीत कपूर? वो ते मैं हुण ऐ ना कही कि मैं उन्हां दे ऑफिस विच काम करदी हां, उन्हां दियां तां बड़ियां कंपनियां हैगियां ने, उत्थे किहड़ा इक बंदा काम करदा होवे, पढ़े लिखे जिन्हां कोल डिग्रियां हुंदियां ने, इंटरव्यू देने पैंदे ने, अपनी जान लड़ानी पैंदी है तां जाके उन्हां नूं किते नौकरी मिलदी है। ते साडी नैना नूं तां उदां ही नौकरी मिल गई बिना किसी डिग्री तो। ओए की तमाशा है नैना, दस मैनू दे जवाब। शायद उन्हां नूं लगा होएगा कि मैं उस जॉब दे लायक हां, ते उन्हां नूं ये भी लगा होएगा कि मैं काम करदे करदे सीख जावांगी। पापा जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਓਏ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ पर देखो किरण जी हुण नहीं खुलती पई इहदी जुबान हुण नहीं दिंदी पई कोई जवाब फिर डिपार्टमेंट दा तेनू हैड भी बना दिता क्यों वो तेरे तो ज्यादा सीनियर बंदे बैठे सी उत्थे जिन्हां दे कोल इन्ना ज्यादा एक्सपीरियंस हैगा सीगा ते फिर तेरे उत्ते इन्नी मेहरबानियां किस गल दियां दस मैनू ते तेरे पिछे वो कितनी बार घरे भी आए ते तेरे और निखिल दे विआह दा एडा फिकर भी क्यों वो क्यों ਉਹ ਐਡਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਭੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈ ਨਾ ਦੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਕਪੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ दस नैना तेरे सब्र का इम्तिहान ना लै तू पापा जी मैं ना कर मैं तो यह देख के हैरान हाँ और जी नैना अपने पापा जी को कोई गल नहीं लुकाती सी वो अज एहो जिहा व्यवहार कर रही मेरे नाल मेरे को कोई गल लुकाती पई है मैनूं एक गल दस वो कपूर तैनूं अपने घर क्यों लैके गया सी दे मैनूं जवाब और इदां की देखदी पई है इन्हें चेर दा साडे कोलों की लुको के रखिया तू तेनू पता है ना नैना कि तेरे प्यो नू तां निंदरा ही नहीं पैंदा सी जदों तू चज ना सोवे ना ते तू रोटी ना खाए मेरी तां भुख ही मर जांदी सी ते गलती नाल जे तू टिफिन रख के जाए घर ते मैं अपनी दुकान तो पहले तेरा टिफिन देन जांदा हुंदा सी ते जदों सुपने तू डर के उठ जांदी सी ते मैं जां तेरी मां असीं दोनों चों एक जना तेरे सिर ते हथ रख के तद तक बैठे रहिंदे सी जद तक तू सो ना जावें ते तू साडी दोवां दी अखां विच घट्टा पाना शुरू कर दिता नहीं बाबा जी नहीं तो असीं अपने सुपने भी तेरी अखां नाल देखदे हुंदे सी नैना ते तू उस कपूर लई साडे नाल झूठ बोलिया मैनूं तां लगदा सी कि मेरी धी मेरा मां ने लेकिन उस मान नूं मिट्टी च रोल दिता वे मेरा मान है मेरी धी रोल दिता तू अज सारा मान रोल दिता अज पापा जी दो मिनट विच पहुंच रहे हैं मम्मी जी मम्मी पापा जी मैनू माफ कर दो प्लीज पापा जी प्लीज प्लीज पापा जी अच्छा माफी मंगना गल निबड़ जाऊगी मम्मी जी पर रोना भी कुछ नहीं होना ना ना फिर मैं तेनू दसा किद्दां गल ठीक होगी आ जड़ी तू करतूत कीती है ना ये दोबारा ना करी वादा कर तू मेरे नाल कि अज तो बाद आह गलती तू नहीं करेंगी ठीक है मम्मी जी मैं वादा करती हूँ कि मैं इतना कुछ नहीं करांगी पापा जी प्लीज तुम मेरे नाल गल तां करो एक गल होर सुन लै कान खोल के वो जेड़ा तेरा सारा है विक्रमजीत कपूर उन्हां दे नाल तू कदी गल बात नहीं करेगी ते उन्हां नाल अज तो बाद तेरा रिश्ता टूट गया पर तुसी मेरी गल तां सुनो दोवें जाने एक बारी मेरी गल तां सुनो मैं की कहना चाहनी हां प्लीज बाबा जी ना हुण की रह गया सुनन वास्ते तेरे डैडी तां आप अखी देख के आए ने चुप कर जा एकदम मम्मी जी मैं मानदी हां कि जो भी पापा जी ने देखा वो सही है। पर की पर मैं तेरे को पूछदा ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? दस मिनट तू दस। गुलाटी जी गुलाटी जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि साढ़े दोवां दा रिश्ता की है। साढ़े घर का मसला है कपूर साहब, तो किसी तीजे नूं विच पैण दी लोड़ नहीं हैगी। मैं तुहाडी गल समझदा पर मैनूं बोलण दा मौका तो दिओ। मैं जो कहना सी वो मैं कह दिता, हुण तुसीं जा सकदे प्लीज। गुलाटी साहब गुलाटी साहब प्लीज दरवाजा खोलो। गुलाटी साहब प्लीज मैनूं समझाउण दा मौका तो दिओ, वरना तुहानूं सच्चाई दा किदां पता चलेगा। गुलाटी जी प्लीज मैं बनना जो होया गलत होया, पर घट्टो घट मैनू माफी मंगने का मौका तो दियो। कपूर साहब चले जाओ तुसी इत्थों दी, नहीं गल करनी गुलाटी साहब ने। और कोई उन्होंने माफी मूफी नहीं देनी हैगी, वो पहला ही बहुत परेशान ने। जाओ तुसी इत्थों दी। नहीं मैं आज इत्थे ही वेट करना है, आज मैं माफी मंगन तो बगैर नहीं जाऊंगा इत्थों। मम्मी जी तुसी इवें क्यों कर रहे हो? असी कदे भी घरे आए बंदे नाल इदां बिहेव नहीं किया। मम्मी जी बाहर खड़े ने सर। मम्मी रुक जा नैना। यार मैं तो कदे कदे ऐ सोचता है इन्ना वड्डा बिजनेसमैन इन्ना टाइम कित्थों लिआउंदा है? कदे कुड़ियां नूं घुमांदा है ते कदे इत्थे आके काम करदा है। मैनूं तो लगदा है अज फिर इधर बहस करन आया है। ऐ ते पागल हो गया नैना पिछे। अरे ऐ कित्थे दा प्यार होवे? पल्ले पैसा होवे ना तो उमरां नूं कोई नहीं वेखदा। मैनूं लगदा है इन्हें साडे मुहल्ले दी नैना नूं भी ना बंगलियां दे सपने दिखाए होने आ। बस सही गल है जी। हां जी चलो छड्डो असी की लेना जी, छड्डो असी की लेना, चलते हैं। नैना नैना की होया पुत्र? मैं तो कोई सुपना देखा है। ले नैना कुछ नहीं होता, पानी पी तू। ले नैना तुझे ठीक हो? नैना की होया? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨੈਨਾ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੁੱਤ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। लम्मी बह जा तू। नहीं मम्मी जी मैनू अजे भी डर लग रहा। चल कोई ना पुत्र मैं ना तेरे नाल इत्थे ही लम्मी पै जानी आ। डरन दी कोई लोड़ नहीं, ठीक है पुत? नहीं नहीं मम्मी जी, तुसी टेंशन ना लो। और रहन दियो किरण जी, और करन दियो इन्हू जो इन्हें करना वे। जो इन्हू साडी फिकर नहीं हैगी ते असीं निंदर क्यों खराब करिए दे पिछे? और सोवो तुसी ते बैठे रहन दियो इन्हू। नहीं जे फिर मेरी धी नूं कोई डराउणा सपना आ गया फिर? और सुपने सुत्तियां नूं आंदे ने, उठियां नूं नहीं। और आ जाओ तुसी भी, पै जाओ लम्मे, सो जाओ पुत्त। माता रानी रक्षा करे।